और ये देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतर चुका है। ऋषिकेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने तय समय से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। ऋषिकेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, लैंड उनका हेलीकॉप्टर कर रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ऋषिकेश एम्स के हेलीपैड पर तस्वीर, ये हेलीकॉप्टर उतर चुका है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं, इस ठीक बगल में आप ऋषिकेश एम्स भी देख रहे हैं। मौके से विनोद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जया, देखिए अभी जस्ट अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वायुसेना के विशेष विमान से ऋषिकेश एम्स में अभी लैंड उन्होंने किया है और अब से थोड़ी देर बाद में कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीधे तौर पर अभी 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री का स्टाफ यहाँ पर है और कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लोकसभा सांसद और उसके साथ साथ में जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वहाँ उनका स्वागत करने पहुँचे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद में अब थोड़ी देर बाद में अपनी फ्लीट के जरिए वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे और ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। और इसके अलावा करीब देश के सैकड़ों ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जिसका आज वो वर्चुअल शुभारंभ ऋषिकेश से ही करने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात देश को समर्पित जया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स से करेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में भाजपा के यहाँ पर नेता मौजूद हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके अलग अलग जगहों पर रोका गया है और ये पूरा प्रांगण सील कर दिया गया है, किसी को भी आने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। और जिसके चलते जितने भी लोग आने वाले थे उनको पहले ही पुलिस के माध्यम से रोका गया है और अभी मुख्यमंत्री उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत कर रहे हैं। और ये जिस तरह से एक बड़ा VIP दौरा है उसको देखते हुए पूरा प्रांगण को सील किया हुआ है, किसी को आने की कोई परमिशन नहीं है। और अब थोड़ी देर बाद में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स से करेंगे। और इसके अलावा करीब सैकड़ों ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो देश भर के प्लांट्स हैं जो उनका भी वर्चुअल शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से करने वाले हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है जया, और ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से देवभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहता है और ऐसे में एक बड़ी इस बड़ी सौगात को आज देवभूमि से ही वो समर्पित देश के लोगों के लिए कर रहे हैं और PM केयर फंड से ही ये सारे ऑक्सीजन प्लांट को किया गया है। और ये जरूर महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार 2-4 महीने बाद यहाँ चुनाव है, उसके लिए भी एक जोश भरने का कार्य देवभूमि के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए PM मोदी का ये दौरा करेगा। अब से थोड़ी देर बाद में कुछ ही मिनटों के बाद कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और विधिवत रूप से जो कार्यक्रम है यानी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ ऋषिकेश एम्स के परिसर से करेंगे। और इसके अलावा सैकड़ों ऑक्सीजन प्लांट है जो देश भर के अलग अलग राज्यों में जिनका आज शुभारंभ होना है उनको भी वर्चुअल ऋषिकेश एम्स से ही प्रधानमंत्री उनका शुभारंभ करेंगे। जया, महत्वपूर्ण दौरा है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो करीब 30 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है और 1500 से ज़्यादा पुलिस के कर्मचारी है, ATS हो, इंटेलिजेंस हो, तमाम दस्ता यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक इस VIP दौरे में ना हो, सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और इसके अलावा राज्यसभा के सांसद और उसके साथ साथ राज्य सरकार के मंत्री यहाँ पर हैं। प्रोटोकॉल और हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत पुष्प गुच्छ देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं और कुछ ही देर में अब कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे और विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
अब थोड़ा ही वक्त बचा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम राज्य के जितने मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, प्रेमनगर जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल खुद मौजूद हैं, स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ही हैं। तो इसके साथ साथ जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए अभी विधिवत रूप से थोड़ी देर बाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शुरुआत के बाद में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एम्स के सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ में एक संवाद कार्यक्रम भी होगा विधिवत रूप से। अभी देखिए सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिख रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रोटोकॉल मिनिस्टर धन सिंह रावत और उसके साथ साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के अलावा और भी कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हैं। और अब थोड़ी देर बाद में कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अपने ऑक्सीजन प्लांट का जो कार्यक्रम है उसकी विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे और शुभारंभ करेंगे। और सैकड़ों ऐसे ऑक्सीजन प्लांट है देश भर के जिनका आज शुभारंभ वर्चुअल ऋषिकेश एम्स से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो एक बड़ी सौगात देवभूमि के लोगों के लिए, देश भर के लोगों के लिए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। और जिस तरह से बड़ी संख्या में ये इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कोविड के समय में, कोविड के दरमियान जब दूसरी लहर आई उस वक्त हमने देखा कि लोगों को कितनी दिक्कतें हुई, ऑक्सीजन की कीमत क्या है उस वक्त लोगों को ये बात पता चली। और ऐसे में जब 162 ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा कदम है।